अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कद्दू का दालचा, बघारा खाना, गवार की फली का सूखा सालन और शिकमपुर। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बना के तैयार कर लेंगे कद्दू का दालचा। दालचा बनाने के लिए सबसे पहले अब हम इमली को भिगा के रख लेंगे। ये है मुट्ठी भर इमली। तो इमली को पहले अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद में हम इसको भीगने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और जब ये अच्छे से भीग जाएगी, हम इसका इमली का खट्टा निकाल कर रख लेंगे। कद्दू लेंगे छोटे साइज़ का। तो कद्दू को सबसे पहले हम छील लेंगे और इसके बाद में इसको इस तरह से टुकड़े करके रख लेंगे। कद्दू आप लोग अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते। चने की दाल लेंगे हम 200 ग्राम। तो इसको भी हम 2 घंटों के लिए भीगने के लिए रख देंगे। और जब ये चने की दाल अच्छे से भीग जाएगी, हम इसको उबाल लेंगे। तो हरी मिर्च ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल, पानी ऐड कर लेंगे हम 3 ग्लास। और अब हम दाल को गलने के लिए रख देंगे। दाल को अच्छे से गला लेंगे, नरम होने तक अच्छे से गला लेना है। तो ये देखिए, अब ये जो दाल है अच्छे से गल गई, एकदम नरम हो गई। तो अब हम फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे और दाल को मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर ले सकते, बिल्कुल पेस्ट की तरह कर लेंगे। अब ये मैश की हुई दाल बिल्कुल रेडी है। इस तरह से पेस्ट की तरह कर लेना है। तो चलिए अब हम दालचा बघारने के लिए प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, साबित गरम मसाला ऐड कर लेंगे, दालचीनी, लौंग, इलायची, शाजीरा, 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। तो मिर्च नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर ले सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 6 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद में अब हम मटन ऐड कर लेंगे इसके अंदर। 500 ग्राम हड्डी वाला गोश्त ऐड करेंगे इसके अंदर। आप लोग चाहे तो बोनलेस भी ऐड कर सकते, अच्छे से मिला लेंगे। अब पानी ऐड कर लेंगे 1 ग्लास। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर अब हम इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। 6 से 7 सीटी होने तक मटन अच्छे से गल जाएगा। 6 से 7 सीटी हो जाने के बाद में अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मटन अच्छे से गल गया। तो मटन गल जाने के बाद में अब हम इसके अंदर कद्दू ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। 2 ग्लास पानी ऐड करके अब हम कद्दू को गला लेंगे, मीडियम हीट पे रख के गलाएंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसको मीडियम हीट पे गला लेना है। अब ये कद्दू अच्छे से गल गया। कद्दू को गला लेने के बाद में अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दाल का पेस्ट, अच्छे से मिला लेंगे। इमली का निकाला हुआ खट्टा ऐड कर लेंगे। तो ये भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते। पानी ऐड कर लेंगे 2 ग्लास, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से, करी पत्ता ऐड कर लेंगे, कोथमीर और हरी मिर्च। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए मीडियम हीट पे।
20 मिनट तक पका लेने के बाद में अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। कद्दू का दालचा बिल्कुल रेडी है अब सर्व करने के लिए। तो चलिए अब हम गवार की फली का सूखा सालन बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम, ये है गवार की फली 250 ग्राम। तो गवार की फली को इस तरह से हम तोड़ कर रख लेंगे। कोथमीर, हरी मिर्च, छोटी मेथी की भाजी, आलू लेंगे। तो चलिए अब हम मटन को प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे और इसके बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। तो मटन लेंगे हम हड्डी वाला, 300 ग्राम ऐड करेंगे मटन। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। तो मिर्च नमक का आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर ले सकते। पानी ऐड कर लेंगे 1 ग्लास, अच्छे से मिला लेंगे और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। फ्लेम ऑन करके 6 सीटी होने तक पका लेंगे मीडियम हीट पे। छः सीटी हो जाने के बाद में हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे। तो ये देखिए मटन अच्छे से गल गया। मटन गल जाने के बाद में अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गवार की फली। अच्छे से मिला लेंगे। तो गवार की फली को गलने में टाइम लगता, इसी वजह से हम इसको फिर से प्रेशर कुकर लेंगे 3 सीटी होने तक। तो आधी गिलास पानी ऐड करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे 3 सीटी होने तक। मीडियम हीट पे पका लेंगे। तीन सीटी हो जाने के बाद में हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसके बाद में प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे। फिर से फ्लेम ऑन कर लेंगे हम। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर मेथी की भाजी, हरी मिर्च, कोथमीर, आलू, ये सब चीज़ें ऐड कर लेने के बाद में अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। लो हीट पे पकने के लिए रख देंगे। पानी अच्छे से सूख जाना जब तक इसको पका लेंगे, यानी कि 15 से 20 मिनट में आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और पानी भी अच्छे से सूख जाएगा। ढक्कन से कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए 20 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेने के बाद में अब ये आलू अच्छे से गल गए, यानी कि गवार की फली का सूखा सालन बिल्कुल रेडी है अब सर्व करने के लिए। तो इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे और इसके बाद में फ्लेम ऑफ कर लेंगे। गवार की फली बनके तैयार हो जाने के बाद में अब हम शिकमपुर बना लेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम बोनलेस मटन 500 ग्राम और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 125 ग्राम चने की दाल ऐड कर लेंगे, धुली हुई चने की दाल है ये, और ये है हरी मिर्ची 12 से 15 लेंगे, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते। 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 1 कोथमीर का कट्टा लेंगे और 1 पुदीने का कट्टा, तो इसको भी हम चॉप्ड करके इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये बनाएंगे हम प्रेशर कुकर में। गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून, 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे फ्लेम ऑन करके 8 से 10 सीटी होने तक पका लेंगे मीडियम हीट पे। 8 से 10 सीटी हो जाने के बाद में हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसके बाद में प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे। तो ये देखिए मटन अच्छे से गल गया, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया। अब हम इसको पानी सूखने तक पका लेंगे।
यानी कि पानी बिल्कुल नहीं रहना है इसके अंदर, अच्छे से ड्राई हो जाना है। अभी अच्छे से ड्राई हो गया तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पीस के रख लेना है। गोश्त को पीस लेने के बाद में अब हम मसाले पीस लेंगे। तो मसालों में लेंगे हम बादाम, काजू, चिरौंजी, खसखस, सूखा खोपरा। तो खोपरे के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे अब। तो ये सारी चीज़ों को अब हम भून लेंगे। खसखस को बाद में ऐड करेंगे, पहले काजू, बादाम, चिरौंजी और खोपरे को भून लेंगे। हल्का सा भून लेना है। उसके बाद में जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा इसी के अंदर हम खसखस ऐड कर लेंगे। तो खसखस ऐड करने के बाद में फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे भुने हुए मसालों को, पाउडर बना लेंगे इसका। तो ये देखिए इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है। अब हम शिकमपुर की जो फिलिंग करते उसको रेडी कर लेंगे। दही लेंगे 200 ग्राम, आधा टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे इसके अंदर, बारीक कटा हुआ कोथमीर, पुदीना और दो चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज लेकर इसको भी चॉप्ड करके ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे अब। अब ये फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम ये पीसे हुए गोश्त के अंदर काजू, बादाम, खसखस, चिरौंजी और खोपरे का जो पाउडर हमने बना के तैयार कर लिया था भुने हुए मसालों का, वो ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। इसको अच्छे से मिला लेने के बाद में अब हम शिकमपुर बनाना शुरू करेंगे। तो हथेले को थोड़ा सा कच्चा करेंगे हम, पानी या तो फिर कुकिंग ऑयल जो भी लगाना चाह रहे हैं आप लोग, इस तरह से लगाकर हम शिकमपुर का गोश्त ले लेंगे इस तरह से हाथों में। और इसके बाद में इस तरह से शेप दे देंगे इसको। अब हम दही की फिलिंग करेंगे इस तरह से, फोल्ड कर लेंगे। फिर अच्छे से दबाकर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये देखिए सारे शिकमपुर अब हम बिल्कुल इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको तल लेंगे तवे के ऊपर। तवे को गरम करेंगे और इसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। शिकमपुर रखते जाएंगे इस तरह से तवे के ऊपर। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस तरह से डालते जाएंगे इसके ऊपर से, आजू बाजू से इस तरह से। इसके साइड्स भी चेंज कर लेंगे हम। दोनों तरफ से इसको अच्छे से तल लेना है इस तरह से। तो इसको हम तलेंगे मीडियम हीट पे। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम सारे शिकमपुर बनाकर तैयार कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। शिकमपुर बन के तैयार हो जाने के बाद में अब हम बघारा खाना बना के तैयार कर लेंगे। बघारा खाना बनाएंगे हम सोना मसूरी राइस से। 1 किलो लेंगे और इसके बाद में इसको अच्छे से धो लेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे हम। तो चलिए अब हम बघारा खाना बघार लेंगे। तो इसके लिए भगोने को गर्म कर लेंगे और इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके इसके अंदर ऐड करेंगे अब हम 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज,
प्याज को हम इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा, अब हम इसके अंदर साबित गरम मसाला ऐड कर लेंगे। तो साबित गरम मसाले में लेंगे दालचीनी, लौंग, इलायची, शाहजीरा, तेज़पत्ता, बारीक कटा हुआ कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। स्लिट्स की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे 4 टेबल स्पून। तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से इसका कलर चेंज होना, हल्का सा बादामी कलर में आ जाना अदरक लहसुन का पेस्ट, जब तक इसको हम इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। जैसे ही कलर चेंज होगा अदरक लहसुन पेस्ट का, पानी ऐड कर लेंगे हम 2 लीटर। नमक ऐड कर लेंगे 4 टीस्पून। तो चावल में आप लोग नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे हाई हीट पे, ढक्कन से कवर कर देंगे तो उबाल जल्दी आ जाता। तो ये देखिए अब पानी में उबाल आ गया। अब हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर लेंगे। चावल ऐड कर लेने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद में इसको हाई हीट पे पका लेंगे। बीच बीच में हम पकने के दौरान में इस तरह से चम्मच से चावलों में हिलाते भी जाएंगे और पूरा पानी अच्छे से सूख जाना जब तक इसको पका लेंगे हम। अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी बाकी रह गया, जैसे कि मैं आपको चम्मच से दिखाई इसके अंदर। तो इतना पानी रहे वक्त हम हीट लो कर देंगे 20 मिनट के लिए। लो हीट पे दम पे रख देंगे ढक्कन से कवर करके। अब ये खाना अच्छे से दम हो गया, 20 मिनट तक इसको हमने दम पे रख दिया था। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। बघारा खाना बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए अब हम ये सब चीज़ों को डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए दालचा बघारा खाना, फली का सूखा सालन और शिकमपुर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो आप लोग भी ये सारे रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करके देखिए, और अगर ये रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।